एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन। जी हां, एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है और बहुत ही ज्यादा अहम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब ये है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई थी। लेकिन अब फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो कुछ विशेष यहाँ पर रहने वाला यहाँ पर ये भी है क्योंकि संविधान विशेषज्ञ विज्ञान। देखिए, इन हलफनामों का, एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार देश को भी गुमराह करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी करती है। आप कब कराएंगे इलेक्शन? आपने क्यों नहीं लिखा? ये कहना कि हम तैयार हैं, इस जुमले का क्या मतलब है? आप दो साल के बाद कराएंगे, छह महीने के बाद कराएंगे? आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया है? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी पूछ रहा है कि आपने क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया? आपने इसलिए बनाया कि वहां आप सरकार नहीं बना सकते? तो आप यूनियन टेरिटरी बना के अमित शाह जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे हुकूमत करेंगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में आएगा। सत्ता की भूख इस हद तक है कि आप स्टेट को तोड़ तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, क्या है देखते हैं। देखिए, ये क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, वन नेशन वन इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है मोदी सरकार का, लेकिन विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये इतना आसान रहने वाला है? पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? निश्चित तौर पर एक बड़ी जो वो खबर के तौर पर जब ये जानकारी जी आप बिल्कुल देखिए, एक बड़ी खबर के तौर पर जब ये जानकारी निकल कर आई कि लोकसभा का सत्र जो है वो बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक के लिए, आप जो ये सेशन बुलाए जाने की जिस तरह से जानकारी मिली उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बड़ा फैसला जो है वो केंद्र की सरकार लेने पर जो वो मंथन कर रही थी और इसी के चलते ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। ऐसे में अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर जो है वो जो केंद्र की सरकार है उसने अपना होमवर्क किया है और उसके ऊपर जो वो इस सत्र में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो इस बिल्कुल पवन बने रही आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी जानकारी, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है, बताने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। पूर्व राष्ट्रपति को बनाया कमेटी का अध्यक्ष और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी ये कमेटी। एक देश एक चुनाव पर हलचल तेज हो गई है। पूरी प्रक्रिया यहां पर किस तरीके की रहेगी इस पर पूरी मंत्रणा हो रही है। तो कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक देश एक चुनाव पर हलचल तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी ये कमेटी। सुझाव यहां पर आम जनता से लिए जाएंगे। देश में बनेंगे एक ही प्रधानमंत्री ना, और वो प्रधानमंत्री देश ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे, जिन्होंने देश की सुरक्षा, देश का कहा जाए विकास किया है। वैसे ही लोग तो फिलहाल आप देखिए, लगातार अब हलचलें जो है वो तेज हो रही हैं। पवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पवन, क्योंकि अब हलचल देखिए तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति
और साथ ही साथ जो कमेटी यहां पर बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसके अध्यक्ष भी रहने वाले हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके आवास पर पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर जैसे ही सामने आई थी वीरवार को, उसके बाद से ही कई तरह के कयास जो है वो लगाए जाने शुरू हो चुके थे और बड़ी खबर के तौर पर यही निकल कर आया कि वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर केंद्र सरकार काफी समय से आज वो मंथन कर रही थी और इसको लेकर ही इस विशेष सत्र में जो है वो सरकार जो है वो बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। और अब जब इस मामले में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी में आज जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जो है वो रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है, बातचीत की है। तो जाहिर है कि क्या क्या बारीकियां हो सकती है, कानूनी तौर पर क्या क्या पहलू जो है वो कमेटी के सामने आने चाहिए, किस तरीके से लोगों से सुझाव लिए जाने पर काम किया जाए, यानी पूरा जो एक मंथन है वो किया जा रहा है लगातार जो है वो, इसके ऊपर पहले से ही होमवर्क जो है वो जारी था, लेकिन अब जब विशेष सत्र बुलाए जाने का फैसला किया गया है उसके बाद विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। विपक्ष जो है वो इस मामले में सरकार को अपने तरीके से जो है वो घेर रहा है, लेकिन सरकार की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पहले से ही जो चर्चाएं लगातार सामने आती रही गाये बगाये, उन चर्चाओं को अब मजबूती मिलती दिख रही है, उन चर्चाओं को अब एक तरीके से जो है वो अमलीजामा पहनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी जो है वो खबर है पूरे देश के लिए, चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काफी समय से चर्चाएं होती रही, बड़े बड़े जो राजनीतिक मंथन होते हैं उनमें इस तरीके की बात सामने आती है कि जब देश में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो जब देश में केंद्र में सरकार बनती है उसके बाद जो राज्य है उनमें हर दो राज्यों में छह महीने बाद, फिर पांच राज्यों में छह महीने बाद, यानी पूरी पांच साल जो है वो चुनावी प्रक्रिया में गुजरती है। तो ऐसे में कोई ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए देश हित में कि वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर काम होना चाहिए, लेकिन कभी उससे राज्य सहमत नहीं होते, कभी केंद्र सरकार जो पूर्व में रही उन्होंने इस तरीके का बड़ा फैसला लेने के लिए जो है वो अगर विचार भी किया तो उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पाए, चूंकि राज्यों की असहमति लगातार इस तरह के मामलों में जो है वो रही है। लेकिन अब जब केंद्र की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ने का मन लगभग बना चुकी है और अब विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, तो देखना यही होगा कि अब विशेष सत्र में किस तरीके से किस जो है वो फार्मूले के साथ जो वो देश की जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है वो आगे बढ़ती है और विपक्षी दल जो है वो इसके ऊपर किस तरीके से अपनी राय जो है वो रखते हैं, किस तरीके से इस फैसले को वो आगे लेकर चलते हैं, साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं, या फिर राज्यों से जो कंसेंट होगी, राज्यों की जो सरकारें हैं वो इसको लेकर क्या किस तरीके से अपना रुख रखेगी, या चरणबद्ध किस इस फैसले को किया जाएगा, क्या कैसे मतलब इस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन करने की कवायद शुरू की जाएगी, ये पूरी जो है एक बड़ी जो वो घटनाक्रम रहने वाला है, चूंकि इसके ऊपर बहुत जल्दबाजी में बहुत जो वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मोदी सरकार का निश्चित तौर पर ये मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, लेकिन इसमें कानूनी पहलू क्या रहेंगे, कानूनी नजरिए से इसमें किस तरीके की टेक्निकल जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, राज्यों से कंसेंट लेने के लिए क्या राज्यों की विधानसभाएं जो है उनमें भी क्या विशेष सत्र बुलाए जाएंगे, राज्यों को किस तरीके से केंद्र सरकार के फैसले को समर्थन करते हुए अपना जो रेजुलेशन है वो किस रूप में पारित करने होंगे, यानी कई तरह के टेक्निकली इसमें पॉइंट्स रहेंगे, कई तरीके की तकनीकी पहलू इसमें रहेंगे, कानूनी पेचीदगियां जो है वो क्या रहेंगी, किस तरीके से उन कानूनी पेचीदगियों को आज वो निपटाया जाएगा, ये जो कमेटी गठित की गई है ये किस रूप में आगे बढ़ेगी, कैसे लोगों को ये जोड़ा जाएगा, तो ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन एक निश्चित तौर पर बड़ा फैसला जो है वो ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का माना जाएगा, जिस तरीके की तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके का होमवर्क हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये तय है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक 2024 के मद्देनजर लगाने की तैयारी में है।
लेकिन किस रूप में आगे बढ़ेगी यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अच्छा पवन, क्योंकि इसको लेकर सरकार जो कह रही है, जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि इसके बहुत फायदे होने वाले हैं, वो सीधे देश के विकास से जुड़े हुए हैं। देश के विकास की बात अगर करें तो इसमें बहुत सारे फायदे गिनवा दिए गए हैं, लेकिन राजनीति के नफे नुकसान की अगर बात यहाँ पर करें तो वो भी यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि इसका ब्लूप्रिंट क्या कुछ रहने वाला है। और कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका भी कार्यकाल जो है वो खत्म भी नहीं हुआ या कुछ साल अभी शेष है, वहां पर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर ये रहने वाली है कि विपक्ष कह रहा है कि हमसे इस पर चर्चा नहीं की, हमें इस पर इस पूरे विषय को लेकर विचार विमर्श नहीं किया गया, तो सरकार इस तरीके का बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी जो है वो बात है ये, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो केवल एक दिन की, एक महीने की, एक साल की एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। इसके लिए बड़े स्तर पर आप जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत है। हाल ही में हिमाचल, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, वहां पर अभी सरकार को बने हुए एक साल भी नहीं हुआ है। इससे पहले कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए थे, वहां की सरकार को बने हुए दो साल से भी कम का समय उनको हुआ है। ऐसे ही आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में जो इलेक्शन है वो जो होने हैं, और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में जब लोकसभा का चुनाव अप्रैल मई में होता है, उसकी 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होता है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है इस पूरे मामले में। और राज्य जो है वो केंद्र सरकार के फैसले को, अगर बड़े स्तर पर फैसला होता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है, तो उसके लिए किस तरीके से क्या फार्मूला निकलेगा, क्या कुछ राज्यों को इस बार वन नेशन वन इलेक्शन में लिया जाता है, फिर अगले चरण में बाकी राज्यों को इसमें लिया जाएगा, यानी क्या फार्मूला होगा, किस तरीके से, किस फॉर्मेट के साथ इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा, ये अभी जो है वो चर्चा का और मंथन का विषय है। इसके ऊपर अभी जो है वो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो राज्य हैं जिनमें बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है, अगर हम पंजाब की बात करें, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें या अन्य जो राज्य हैं, तमाम राज्यों की बात करें, तो वो राज्य जो है वो अपने समय पर जो उनकी विधानसभाओं के जो कार्यकाल खत्म होते हैं उसी के मुताबिक चुनाव करवाने के लिए जो वो इच्छुक रहते हैं और वो इसी मुताबिक चलना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें अगर केंद्र सरकार फैसला करती है तो वो या अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर सत्ता में हैं, तो उन राज्यों के लिए इस फॉर्मूले को किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्या कोई इस तरीके के जो वो चरण बना दिए जाएंगे कि पहले चरण में वन नेशन वन इलेक्शन में पहले चरण में ये 10 राज्य रहेंगे या ये 12 राज्य रहेंगे, बाकी के जो राज्य हैं उनको एक समय दे दिया जाएगा कि आप 1 साल या 2 साल या जितना भी समय जो है उसमें आपको यहाँ पर की है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुलाकात बहुत कुछ यहाँ पर कह रही है, और वो भी इस दिशा में कि वन नेशन वन इलेक्शन के इसको लेकर कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं जेपी नड्डा, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ये कमेटी सुझावों पर एक रिपोर्ट तैयार यहां पर करेगी, जो सुझाव यहां पर मिलेंगे, और पूरी तरीके से एक रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से लागू किया जाए और किस तरीके से इस पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, बयान आ रहे हैं, और अब ये तस्वीर सबके सामने आई है। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अड़चने बहुत हैं इसको लेकर, विपक्ष कह रहा है हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई इसको लेकर, और सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन इसे कह दिया गया है कि मोदी सरकार की तानाशाही कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इन दिनों 2024 की जो चुनावी तैयारियां हैं उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए जो है वो अपने स्तर पर अपना
काम करने में जुटा हुआ था। इसी बीच विपक्षी दलों की जो एकजुटता हुई है, जिसकी कल ही जो वो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है इंडिया के नाम से, INDIA के नाम से जो एक बड़ा गठबंधन महागठबंधन हुआ है, उसके नेता जो है वो 2024 की तैयारी में लगे थे, किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना है, इसका नेता, इसका चेहरा कौन होगा, राज्यों में इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है या फिर जो अन्य राज्यों में जिस तरीके से जो पार्टी सत्ता में है, जो सत्ता में है उनके साथ जिन दलों का गठबंधन है, जो क्षेत्रीय दल है, उनको किस तरीके से जोड़ना है, यानी होमवर्क चल रहा था 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल पवन, पवन आप बने रहिए हमारे साथ, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि अभी इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी जो फिलहाल ताजा खबरें आ रही है वो ही अपने आप में बता रही है कि एक बहुत बड़ा नया पड़ाव जो है वो देश एक बार फिर से देखने जा रहा है सर, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि हमें विश्वास में तो लेते, हमसे चर्चा तो यहाँ पर की जाती। देखिए ये चर्चा कोई नई नहीं है जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2-2.5 साल पहले जी ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की थी जी, और मुझे लगता है कि उस समय भी सभी जो हमारी स्टेट्स हैं या केंद्र में भी सब लोगों को जानकारी है कि उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है, और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अच्छा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप कोई और हो नहीं सकता कि जितना बड़ा एक्सपेंडिचर, क्योंकि पूरे 5 साल जो ये लोग हैं चुनाव में ही फंसे रहते हैं, और अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, और जो विकास है वो बार बार जब चुनाव संहिता लग जाती है विकास रुक जाता है, तो वो सब चीजें वन नेशन वन इलेक्शन होने से वो सब चीजों से राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन जो देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए उन्होंने सोचा है, वी शुड वेलकम दैट, आई वेलकम के भी इस प्रकार की जो एक वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आई है इसको जितनी जल्दी पूरी हो सके, और उसके लिए जो भी मैं समझता हूँ कि कुछ स्टेट्स को या कुछ लोगों को कोई त्याग भी करना पड़े 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, तो वो भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिकॉज दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश के इंटरेस्ट में है इसके ऊपर। ज्ञानचंद गुप्ता जी, लेकिन एक बात यहाँ पर और आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है नहीं हुआ है, विपक्ष का ये कहना है, उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी एक जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रहने वाली है, संविधान में संशोधन के बिना क्या ये मुमकिन है ये पूरी प्रक्रिया सर, ये आपसे समझना है। देखिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान के मुताबिक ही ये सारी जो अमेंडमेंट्स होंगी वो बिना पार्लियामेंट में आए थोड़ा ही हो जाएंगी जी। वो सब जहाँ पर भी, चाहे वो स्टेट्स के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पर, अगर जो भी अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं छोटी मोटी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जी। बिल्कुल सर, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी आपसे सवाल करना चाहिए। स्पीकर साहब एक सवाल, हाँ स्पीकर साहब एक सवाल है, जो कुछ राज्य हैं, मतलब जिसमें हम हरियाणा को भी सबसे पहले जो वो शामिल कर सकते हैं, स्पीकर साहब जो कुछ राज्य हैं जिसमें हरियाणा को हम सबसे पहले शामिल कर सकते हैं, ऐसे राज्य हैं सर जिनका लोकसभा के इलेक्शन के 6 महीने 5 महीने या 7 महीने के भीतर ही चुनाव जो है वो विधानसभा का होता है, तो उससे अक्सर ऐसा देखा गया है हर 5 साल बाद ये स्थिति बनती है कि जो राजनीतिक लोग हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की, उनकी प्राथमिकता चुनाव के चलते बदल जाती है, वो अपने चुनाव पर फोकस करते हैं, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग जाती है, एक एक साल तक डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित रहती है, इस तरीके की सिचुएशन बनती है। तो आप ये मानते हैं सर कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद, जैसा आपने पहले भी कहा कि जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर राजनीतिक लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो केवल एक बार इलेक्शन और उसके बाद 5 साल सेवा में लगे, वो बार बार इलेक्शन में, चुनावी ड्यूटियों में, चुनावी प्रक्रियाओं में ना गुजरे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि देखिए, मैंने तो ये कहा कि अगर हमें राष्ट्र हित में, एक देश के बड़े हित के लिए
कुछ थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो एक विजन जो है, ये बहुत बड़ा विजन है। बात कह रहा है कि मोदी जी नहीं, इससे पहले भी ये चर्चा तो, लेकिन स्पीकर साहब विपक्ष को ये बात कह रहा है कि अपनी मनमर्जी केंद्र सरकार लगातार कर रही है तानाशाही इस फैसले को। नहीं, ये तो फैसला देखिए अकेले मोदी जी नहीं कर सकते। सर वही विपक्ष की बात कर रही है, विपक्ष तो लगातार मोदी सरकार के, नहीं देखिए मोदी सरकार की आलोचना तो विपक्ष पहले पिछले 10 साल से करता ही आ रहा है, उसकी छोड़िए। पर लेकिन आप आम आदमी जो है, जिसको किसी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो आदमी कि ये जो बार बार इलेक्शन होना, ये अननेसेसरी बर्डन है, इसको कम किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो संविधान के अनुसार ना हो। संविधान को अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, संविधान के अनुसार काम भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक विजन है जो जनहित के अंदर है, देश हित के अंदर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े और इस पर चर्चा की है, और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फिलहाल अब जो हलचल है वो तेज हो गई है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये एक मोदी सरकार की तानाशाही है जो कि नहीं चलने दी जाएगी, लेकिन आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।